फेवरेट कलर क्या है मेरा, फेवरेट फूड, फेवरेट फिल्म। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। चलो छोड़ो, फेवरेट प्लेयर बता दो। बोलो बोलो। प्लेयर? हाँ, MP3 प्लेयर। तो कैसे हो मियांपुरवासी, हो मियांपुर के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका बहुत ही अच्छा कटे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा हर वीडियो आप लोगों को बस हंसाने के लिए होता है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। तो गाइस, हेडफोन लगा लो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते। नहीं पार्थ, अब नहीं होगा यार। कम ऑन यार, हो जाएगा। मैं और मीका रोज करते, मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा। नहीं यार। यार पहले तुमने तो इंसिस्ट किया था ना, करते हैं करते हैं करके, बट ट्राई तो करो यार, हो जाएगा। कम ऑन, चलो। नहीं, मीका कैसे करती है, मैं तो दर्द से मरे जा रही हूँ। अरे थैंक गॉड तुम ही आ गई, इससे हलासन ही नहीं हो रहा, आके सिखा दो ना इसको। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, अपना मूड खराब कर दिया। मैं तो चाहता हूँ मेरा मिस यूज कर के दे कुछ, तो यू ना तो कंफ्यूज कर। ओ कैसा गांडू करती तू, तुझे देख बेकाबू फिरता हूँ। मैं भी मुझको नहीं परवाह हूँ, मैं थोड़ा भड़वा बस मुट्ठी मारता रहता हूँ। चोदूमल तू ऐसा चोदूमल। भाई मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता, मतलब जीरो समझ नहीं आता। क्या कॉन्सेप्ट? यही कि विशाल के साथ बातें करने में मजा आता है, विशाल के साथ पिक्चर देखने में मजा आता है, विशाल के साथ पढ़ाई करने में मजा आता है, विशाल के साथ सेक्स भी कर लो और मजा आएगा। अच्छा। यार मुझे भी तेरे साथ में बातें करने में, फिल्म देखने में, चाय पीने में बड़ा मजा आता है, तो सेक्स कर लूं तेरे साथ में। गाइज आप में एक ला जाओ ऐप लोटस 365 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप क्रिकेट नॉलेज यूज करके अच्छा इनाम जीत सकते हो। आपको यहाँ बताना होता है कि क्रिकेट मैच में कौन अच्छा खेलेगा। लोटस 365 ये एक ट्रस्टेड एंड सेफ वेबसाइट है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, प्रीतिका रवंदा और काजल अग्रवाल। और सबसे अच्छा चीज, आपका विड्रॉ से 20 मिनट के अंदर हो जाता है, चाहे वो दिन हो या रात। गाइज अभी अकाउंट ओपन करने पे आपको मिलेगा 365 का वेलकम बोनस, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में। एक्सक्यूज मी सर, कहिए। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? सर पहले साल में तो प्रमोशन। अच्छा। और दूसरे साल में कंपनी का सीईओ। ठीक है। और तीसरे साल CEO? में रुको रुको, ये एकदम से सीईओ कैसे बन जाओगे तुम? सर कंपनी के मालिक की लड़की तो शादी कर लूंगा, बिटिया वो हेलमेट क्यों नहीं पहना तूने? तो यमराज भी यहीं से बैठा होगा नीम के ऊपर, फिर दिक्कत आएगी ना। अच्छा थोड़ी लगेगा ये, बड़ी भाई देखो बाल वाल तो फिर भी बन जाते हैं, कई बार अपने सोचते भाई बाल खराब हो जाएंगे, बेटा जिंदगी खराब हो जाएगी। बात तो सही है। तुम्हारे पेरेंट्स अपने सोचते होंगे भाई बच्ची सुरक्षित है, और थोड़ा सा भी आजकल कट मार के चलते हैं लोग, तेज चलते हैं, है ना। तो हमारी बच्चियों को ध्यान रखना चाहिए। ये तू समझाई क्यों नहीं बेटे पीछे वाली गुड़िया? फिर शादी, फिर तुम सब, अब बुढ़ापा, बस अब शांति के साथ रहना चाहता हूँ। शांति। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात भाई वो लड़की देखना क्या दिख रही है यार, 2 सेकंड में मेरे पास भागते हुए आएगी वो। अच्छा। भाई उसके बॉयफ्रेंड का बॉडी देख और तेरा बॉडी देख, उसका पर्सनालिटी देख यार और तेरा पर्सनालिटी देख, गजब बेइज्जती है। भाई वो तो छोड़, उसका मुंह देख और तेरा मुंह देख। भाई तेरे पास क्या है, वो क्यों आएगी तेरे पास, क्या है तेरे पास? क्या भी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा। मेरे पास ना गवर्नमेंट जॉब है, ये क्या ब्रेकअप। तो मैं कह रहा था कि ये जो पीटर है ये हमें मारने नहीं बचाने आता था। क्या मतलब बचाने आता था? एडम के कहने का मतलब है पीटर हमें दूर से सूंघकर ज़ॉम्बियों के बीच से निकाल लेता था, मतलब वो हमारी जान बचाता था। चलो भाई मान लिया तुम्हें बचाया था, पर मेरा क्या,
मुझे तो मॉल में बजाया था। मुझे भी तो लात घूंसे मार के बचा सकता था, पर मेरी क्यों मारी? वो तो दूसरा राउंड भी चाह रहा था। हाँ चाह रहा था दूसरा राउंड, मजा आ रहा था मुझे। कि मैंने अखियों से गोली मारी, उसने डॉज कर दी, उसने डॉज कर दी। और तेरे पिया क्या गए रंगून, तूने तो आशिकों की फौज कर दी, समझ रहे हो? कि मैंने अखियों से गोली मारी, उसने डॉज कर दी। और तेरे पिया क्या गए रंगून, तूने तो आशिकों की फौज कर दी। और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। देश में क्या ट्रेंडिंग है ये नहीं मालूम, लेकिन इंस्टाग्राम के सारे ट्रेंड मुंह जबानी याद है। अभी कुछ हफ्ते पहले वो चल रहा था नो नट नवंबर। नो नट नवंबर सुना सुना क्या होता है? अक्टूबर की आखिरी रात को रंग दो बमाना, क्योंकि नवंबर से नहीं हिलाना। फिर लोग बोलते हैं कि वुमेन वुमेन करता रहता है, क्यों ना करूं मैं वुमेन वुमेन। देखो मेरे सामने दो परियां जा रही हैं बातें करते हुए, इनको कुछ है था पता? ये लोग मेन रोड पे चल रही हैं, रोड ब्लॉक करके चल रही हैं, हाईवे के ऊपर ये लोग 30 की स्पीड मेंटेन करके चल रही हैं। ओहो, एक तो ये लड़कियां और इनकी बातें यार गजब बेइज्जती है। बिलीव मी, इन्होंने ना स्कूल कॉलेज में जाके भी बातें करी होंगी, ग्राउंड में भी बातें करी होंगी, क्लास में भी बातें करी होंगी, लंच टाइम पे भी बातें करी होंगी, अभी ये घर जाते हुए भी बात कर रही है, घर जाके भी ये फोन पे बात करेंगी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। वुमेन। Hey, y'all come look at this. शॉन्टी बाय, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपके और आपके परिवार के लिए। अरे दे दूंगा यार तेरे पैसे यार, नए साल के दिन सुबह सुबह रुपए मांग के कर दिया ना तूने तो दिमाग खराब। हाँ मैंने कहा था नए साल पे रुपए वापस दे दूंगा, नया साल ढंग से आने तो दो यार। बात तो सही है। तुम तो आए पैसा आए पैसा, इंटरनेशनल भूख हो यार तुम तो। अरे नहीं नहीं नहीं, गलती तेरे से नहीं हुई, गलती मेरे से हो गई, मैंने भिखारियों से पैसे उधार ले लिए। सुन मैं तेरे को पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, तेरे को भरोसा ही नहीं है। और अगर नहीं है ना भरोसा तो आके ले जा, अभी ले जा भाई तेरे पैसे, मेरे को नहीं चाहिए। कहाँ हूँ, आजा बांग्लादेश बैठा हूँ, आजा। दोस्तों एक लड़की बस में सफर कर रही थी, तभी उसके पेट में अचानक गैस बन गई। ये समस्या है। और उसी समय गाना भी बहुत जोर से बज रहा था, तो उस लड़की ने बड़े ही शातिराना अंदाज में गाने की धुन से धुन मिलाते हुए अपनी गैस रिलीज कर दी। अरे देवा। कि किसी को भी पता न चले, और ऐसा वो बार बार करती रही क्योंकि गाना तो बज ही रहा था, और वो उसी की आड़ में ताल से ताल मिलाते हुए, ले से ले मिलाते हुए उस्तादी से गैस रिलीज करती रही, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। दोस्तों थोड़ी देर बाद उसका बस स्टॉप आ गया, और वो जैसे ही बस से उतरने लगी तो उसने देखा कि सारे पैसेंजर उसको गुस्से से घूर रहे थे। तभी अचानक उसे याद आया कि गाना तो सिर्फ उसके हेडफोन पर बज रहा था। आगे क्या करना है? आगे PCM लेना है, इंजीनियरिंग करना है। ठीक है समझ गया। अच्छा A+B का होल क्यूब जानती है? A+B का होल क्यूब, होल स्क्वायर पता है, होल क्यूब भी पता है, A³ + B³ + C³। अरे कहना क्या चाहते हो? ब्रैकेट अंडर A+B+C। कुछ भी ना यू, हमको नहीं पता, इसे पूछिए। एग्जाम दे के आप आए कि हम आए? हम आए। तो बताएगा कौन? हम बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल देते। अच्छा आपको कोई है बॉयफ्रेंड है? अब कहते नहीं है, कहते नहीं है। एक तो बॉयफ्रेंड मुझे जो लव्स है ना बहुत बुरा लगता। अच्छा आपका कोई कारी साहब है? और हम लोग पूछते थे जब शादी की मूवी देखते थे मम्मा बाबा की, हाँ। तो हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? मैं नहीं बताऊंगा। सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? सो रहे थे। हम कहाँ है? जबकि अम्मी अब्बू सोते हैं तो हम आते। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे वो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।